हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको NIOS DLED की जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए NIOS ने पूरी जानकारी भेज दिया है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला जो है क्वेश्चन पैटर्न में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ कैरिंग 1 मार्क्स ईच 15 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। 15 MCQ होगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स यानी 15 मार्क्स। सेकेंड जो है 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन VSA टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। इसमें भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SA टाइप और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहेगा। लास्ट जो है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन LA टाइप कैरिंग 10 मार्क्स ईच 2 क्वेश्चन ईच 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स। इसमें जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे। ब्रैकेट में जो 10 है आप नोट पे देख सकते हो, एंट्रीज आउटसाइड ब्रैकेट्स इंडिकेट मार्क्स एंड दोज इनसाइड ब्रैकेट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यानी लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा। 10 में से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आंसर करना पड़ेगा। तो टोटल जो मार्क्स है 20 + 20 + 15 + 15 यानी कि 70 मार्क्स। नीचे में आप देख सकते हो ईच कोर्स हैज 2 कंपोनेंट्स, theoretical components carrying 70 marks and assignment component mainly practice based related of the particular course carrying 30 marks। तो जो theoretical exam होगा 70 marks का और assignment जो है 30 marks each course के, total मिला के हुआ 100 marks। और ये जो 2 type का exam होगा theory और assignment, लास्ट में जो लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट इन बोथ दीज पार्ट्स विल बी एडेड टू डिटरमाइन द टोटल स्कोर ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट इन द पर्टिकुलर कोर्स। यानी हर कोर्स में जो थ्योरी और असाइनमेंट होगा टोटल 100 मार्क्स, उसका जो मार्क्स आएगा टोटल जो ऐड करके टोटल मार्क्स होगा 70 + 30 का। तो ये था NIOS DLED का जो हर कोर्स है, हर कोर्स का क्वेश्चन पैटर्न। तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन होगा, आप लोग इसके हिसाब में पढ़ाई में जो तैयार करना होगा इसके हिसाब में आप लोग पढ़ाई में तैयार कीजिए। थैंक यू।